उस्ताद असद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रुद्र वीणा। इन्हें 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यह कथक से है, या लखनऊ काल का बिंदा दीन घराने से संबंधित है। इन्हें 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा 1986 में पद्म विभूषण मिला। अगला क्वेश्चन है, स्मृति मंधाना WPL वुमेंस प्रीमियर लीग में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी। यह किस टीम से संबंधित है? तो यह बेंगलुरु टीम से संबंधित है और इन्हें 3.40 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। अगला क्वेश्चन है, 2004 के बाद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह नियमित रूप से किस शहर में मनाया जाता है? गोवा में 24 जनवरी 1952 को 1952 में इसका शुभारंभ मुंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन, कोशिका का डाकघर किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो गाल्जी बॉडी को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक शहरीकृत वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु 48.4%। आवर्त सारणी में परमाणु संख्या कितनी है? 113 किसकी है? तो यह नियान की है। मनरेगा योजना कब शुरू हुई? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 में आया और इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से हुई थी। छत्तीसवें राष्ट्रीय खेल में सबसे ज़्यादा पदक किस राज्य ने जीता था? महाराष्ट्र। भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्न में से कौन से राज्य शामिल नहीं हैं? तो भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आते हैं। UEFA महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो मनीषा कल्याण। चालुक्य शासक सोमदेव और गंगा शासक नीतिमार्ग ने जैन मंदिर का निर्माण कराया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 47 में। ब्रह्मपुत्र की उत्तर की दिशा में सहायक नदी कौन सी है? तो सुवनसिरी, रोगनडी, सिक्रोंग, बुरोई, बोरगोंग, जिया भराली, धनसिरी, पुथिमरी, मानस, बेकी ए सोनकोस। उत्तर की मुख्य सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस कलर का होता है? तो बैंगनी का। प्रसिद्ध नर्तक युगल कामिनी आस्थाना नलिनी अस्थाना को 2022 में निम्न में से किस नृत्य शैली में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो कथक। 54.6% लोग 2011 में किस उद्योग में लगे हुए थे? तो कृषि क्षेत्र में। भारतीय रिजर्व बैंक प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी की देखरेख नहीं करता है क्योंकि वह 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। स्कूल प्रमोट मुस्लिम
क्रिश्चियन हिंदू फेस्टिवल विच फंडामेंटल ड्यूटी इन लिस्ट दिस फीचर विच फंडामेंटल ड्यूटी